हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, नॉलेजेबल लगेगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फोंडेंट के बारे में बताओ, डिटेल वीडियो बनाओ। हालांकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि फोंडेंट से कैसे काम करना है, कैसे स्टोरेज करनी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डिटेल वीडियो मैं बना देता हूँ। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको हर चीज़ समझ आए, क्योंकि जो आप गलती करते हैं वो ना कर पाएँ। जो मुझे नहीं पता होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जो आपको नहीं पता होगा वो पूछ लेना। ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास बहुत सारे फोंडेंट, बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारे कलर के फोंडेंट मैं यूज़ करता हूँ। आपको समझना होगा कि फोंडेंट क्या होता है। फोंडेंट बना होता है सारा 98% शुगर से, कुछ फिलर्स वगैरह होते हैं, बाकी 100% ही मान लो आप ये शुगर से बना होता है। जिस तरीके से आप शुगर को फ्रिज में नहीं रख सकते, इसी तरीके से फोंडेंट को भी नहीं रख सकते। फोंडेंट का काम क्या होता है? फोंडेंट का काम होता है केक को कवर करने के लिए, स्पेशली बटर क्रीम केक या चॉकलेट गनाश केक पे ही फोंडेंट की आप फुल कवरिंग कर सकते हो। व्हिप्ड क्रीम केक पे ना तो कभी ट्राई करना, ना कभी वो होता है, क्योंकि फटाफट से मॉइस्चर आ जाएगा और आपका सारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। देखो कितना स्ट्रेचेबल होता है, इसीलिए स्ट्रेचेबल होता है ताकि केक को जब हम कवर करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। वाइट कलर का सिर्फ फोंडेंट लेके काम करना चाहोगे तो नहीं होगा। आप उसमें कलर मिलाओगे तो फिर वो और पतला हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। फोंडेंट को हमेशा बाहर ही स्टोर करना है, प्लास्टिक रैप में रख के एयर टाइट कंटेनर में हमेशा इनको स्टोर करते हैं, फ्रिज में कभी भी स्टोर नहीं करते। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं भी हमेशा बाहर ही रखता हूँ अपने फोंडेंट्स को। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि फोंडेंट से कवर कर देते हैं केक को वो, लेकिन व्हिप्ड क्रीम नहीं होती है, या तो वो बटर क्रीम होती है या चॉकलेट गनाश होते हैं। ये थोड़ा सा गम पेस्ट है। अब आप देख लो, गम पेस्ट स्ट्रेचेबल नहीं होता है। ये मोस्टली केक प्रॉप्स बनाने के लिए, डेकोरेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। 80% तो इससे फ्लावर्स ही बनाते हैं, बाकी फोंडेंट से काम चल भी जाता है, लेकिन आप फोंडेंट और थोड़ा सा गम पेस्ट मिला लोगे तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि गम पेस्ट तो आप जैसे ही यूज़ करते हो उसके बाद से वो स्टार्ट हो जाता है सूखना। वो इसी पर्पज़ के लिए ही होता है। बट क्या होता है कि एक तो हर सप्लायर पर वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही कम लोग, समझदार लोग या बहुत जहाँ पर काम होता है वही लोग रखते हैं, नहीं तो मोस्टली आपको मिलता ही नहीं है। एक थोड़ा महंगा भी मिलता है, मेरे पास भी थोड़ा सा पीस बचा हुआ है, मैं फोंडेंट से ही अपना काम कर रहा हूँ। दूसरा, मानसून का सीज़न आ चुका है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फोंडेंट में आप थोड़ा सा CMC पाउडर मिला के उसको ड्राइनेस में हेल्प करा सकते हो, जल्दी ड्राई होने लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पत्थर जैसा तुरंत हो जाएगा। AC के बिना आप काम नहीं कर सकते, ये रियलिटी है, सच्चाई है। आप चेक करके देख लेना, नहीं होगा। फोंडेंट का काम सारा AC में ही होता है। आपको पहले केक बनाना है, केक को ठंडा कर लेना है जब आप व्हिप्ड क्रीम केक बना रहे हैं, और उसके बाद डेकोरेशन बना के उसको AC में ही छोड़ना है ड्राई होने के लिए, और जब केक पिकअप हो उसके बाद आपको डेकोरेशन लगा देनी है और पिकअप करा देना है, बस उसको दोबारा अंदर फ्रिज में नहीं रखना है। तो CMC पाउडर लगा के भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। डस्टिंग के लिए हमेशा कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि फोंडेंट होता क्या है, कैसे यूज़ करना है। आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना, बहुत सी वीडियो में मैंने सिखाया भी है, समझाया भी है। तो बटर क्रीम केक्स को या चॉकलेट गनाश केक को तो आप फुल कवर कर सकते हैं, फोंडेंट को व्हिप क्रीम केक से नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को अमेरिका का बना हुआ केक अपने इंडिया में चाहिए होता है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, लेकिन फिर हमें वहाँ पे शॉर्टकट लेने पड़ते हैं, फुल फोंडेंट कवर करने की जगह हाफ़ या सेमी करना पड़ता है उसको। तो डिपेंड करता है डिज़ाइन टू डिज़ाइन और कस्टमर टू कस्टमर। अगर वो बटर क्रीम खाते हैं तो बटर केक्स को आप फुल कवर कर सकते हो। तो देखो मेरे सारे फोंडेंट भी बाहर रखे हैं। अब कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही।